क्या कश्मीरी पंडित वापस आएगा मुझे लग रहा है कि बहुत कम आएंगे मुझे लग रहा है बहुत कम आएंगे मगर वो रिहेबलीशन जैसे बोलते हैं दिल्ली दूर है इसी तरह ये भी दूर है ये भी दूर कोई भी घर वो नहीं होगा जिसमें एक ना एक मरा होगा गोली से ऐसा कोई घर नहीं है। होगा नहीं बिल्कुल घर नहीं, नहीं होगा मुसलमानों का रिश्ते में होगा कोई दूर का होगा अपना होगा में जो भाईचारा था कश्मीरी पंडित मुसलमान सिख क्या वो भाईचारा आज भी वो में? बराबर है आप जाओ जम्मू में देखो इस वक्त जाओ सर्दियों में देखो मुसलमान कहाँ पे होते हैं किन के घर में होते हैं इसलिए वो बात नहीं है भाईचारा मुसलमान भाई भाई इसमें जिम्मार नहीं है हाँ अलबा उन्होंने बात नहीं की क्योंकि इसमें इसमें यह वजह है कि उनको भी डर है उस वक्त दब्बे में वो डर था या अभी भी डर है कि वो बात खुल के नहीं कर सकते नजीन उन्नीस सौ नब्बे की आज हम बात करते हैं उन्नीस सौ नब्बे में कश्मीर में हालात जो है काफ़ी ख़राब थे और नामा हालात के चलते यहाँ से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा और इस वक्त एक कश्मीरी पंडित ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिन्होंने कश्मीर तो नहीं छोड़ा बल्कि कश्मीर में ही रहे इनसे जानते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिला किन किन हालातों से यहाँ से जूझना पड़ा क्या क्या फेस करना पड़ा आ, सर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात थे खास तौर पर जब कश्मीर की बात करते हैं तो 1990 में यहाँ पर हालात जो है काफ़ी कशीदा बने जिसके बिना पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा लेकिन आप मुझे लग रहा है कि आप आपसे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को तो नहीं छोड़ा क्या वजूहत है कश्मीरी पंडित यहाँ से भागने के लिए तैयार हो गई उस वक़्त ऐसे हालात ही बने कि जिसमें जिस, जिस वक़्त की नब्बे आया हालात ऐसे बने कि लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा वो उसके लिए हालात जिम्मेवार हैं वो खुद सब लोग जानते हैं कि हालात कैसे थे उस वक़्त अब मैं अपनी बात बताऊंगा नब्बे के जब मैं मैं भी नब्बे में गया तो छियानवे में मैं वापस लौटा तो यहाँ पर दुकान मेरी अपनी थी दुकान शुरू की काम करा और मैं ही नहीं बहुत सारे दस पंद्रह दुकानदार दुकान दुक। बैठ गए तो तब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अच्छे भाईचारे में बैठे हैं ऐसा कोई परेशानी है नहीं ये मैं ये मैं महसूस मै करता हूँ अगर हम कश्मीरी लोगों की बात करें यानी मुसलमानों की लोग बात करें या सिखों की बात करें तो एक गलत मैसेज फैलाई जा रही है कि, कि कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया तो लग रहा है आपको इसमें कहीं नहीं, तक आप कश्मीरी मुसलमान इसमें जिम्मार नहीं है हाँ अलबत्तः उन्होंने बात नहीं की क्योंकि इसमें इसमें यह वजह है कि उनको भी डर है उस वक्त धब्बे में वो डर था या अभी भी डर है कि वो बात खुल के नहीं कर सकते हैं हाँ हमारे साथ ऐसे हैं बा, जो बात करते हैं बोल बहुत बोलते हैं कि भाई गलत हो रहा है मगर जबान पर वो ला नहीं सकते हैं कितना फ़र्क आ गया है उन्नीस सौ नब्बे में जो भाईचारा था कश्मीरी पंडित मुसलमान सिख क्या वो भाईचारा आज वो, भी वो में? बराबर है आप जाओ जम्मू में देखो इस वक्त जाओ सर्दियों में देखो मुसलमान कहाँ पे होते हैं किन के घर में होते हैं इसलिए वो बात नहीं है भाईचारा बराबर है भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं है ये मैं आपको से कहता हूं। नहीं तो आज भी अगर आपका कोई पहले जमाने में हम सुनते थे अपने बाप दादाओं से सुना है हमने कि जब भी त्योहार होता है चाहे मुसलमानों का त्योहार हो या हिंदुओं का त्यौहार हो या पंडितों का त्यौहार हो तो एक साथ शरीक होते हैं मिला आपस में हम त्योहार मनाते हैं अभी परसों देवाली थी मुझे दुकान पे मिठाई रखनी पड़ी जो भी सलाम करने आता था उसको पेश करते थे मिठाई इसी तरह शिवरात्रि पर भी इसी तरह ईद पर भी हर एक को हम सलाम बोलते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं ये कोई भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आई है आप मानते हैं कि 1990 में जो हालात खराब हुए उसका खामियाजा खाली कश्मीरी पंडित को ही भुगतना नहीं पड़ा बल्कि कश्मीरी मुसलमान को, को भी भुगतना पड़ा क्योंकि आप ये मैं महसूस मैं करता हूँ कि अगर कोई भी घर वो नहीं होगा जिसमें एक ना एक मरा होगा गोली से ऐसा कोई घर नहीं है होगा नहीं बिल्कुल हाँ ये घर नहीं होगा मुसलमानों का रिश्ते में होगा कोई दूर का होगा अपना होगा मरा है मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद ये वादा किया गया है कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबलीटेट किया जाएगा मौजूदा दौर में आप कहाँ देखते हैं क्या कश्मीरी पंडित वापस आएगा मुझे लग रहा है कि बहुत कम आएंगे मुझे लग रहा है बहुत कम आएंगे मगर वो रिहेबलीशन जैसे बोलते हैं दिल्ली दूर है इसी तरह ये भी दूर है अच्छा ये भी दूर है ये भी दूर ये भी आप ये मैं मानता हूँ बिल्कुल जो आ, बात चल रही है इस वक्त भी कश्मीरी पंडितों को रेहेबिलिटेट किया जाएगा हाल ही में यहाँ पर कई सारे बयान दिए जाते हैं कई सारी सियासी जमातों की तरफ से भी और अब बीजेपी भी वादा कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को रेहेबलीटेट किया जाएगा जिस हिसाब से, से यहाँ पर दफ़ा तीन की मनसूखी हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वाकई वादी वापस लाया जाएगा और अब जो है नई नई कॉलोनीज जो है तामीर हो रही है लेकिन कश्मीरी पंडित क्या वाकई पर यहाँ पर रहना चाहता है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive, and translated content, one fails to do it. The Trilingual English Booster Book with Urdu and Kashmir Translation provides you a golden chance to boost your English proficiency. The way it did for me.